कोरबा में मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। कुछ दिन पहले ही कोसगई पहाड़ में दो नर कंकाल की खबर दिखाए जाने के बाद कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू करने पर 13 माह पूर्व लापता किशोरी की शिनाख्ती हुई। करीब 13 माह पहले बांगो थाना क्षेत्र से लापता हुई एक किशोरी का नरकंकाल कोसगई पहाड़ में मिला है। एक और नरकंकाल पुलिस ने मौके से बरामद किया है। उसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि किशोरी जिस युवक के साथ लापता हुई थी यह उसका नरकंकाल हो सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो नरकंकाल एक साथ मिलने की खबर मीडिया फॉर सपोर्ट ने सबसे पहले पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरीश सिंह छत्री की रिपोर्ट पर दिखाई थी, जिसके सोशल मीडिया में वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस नरकंकाल के मिलने की सूचना हरीश सिंह ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने टीम गठित कर कोसगई पहाड़ रवाना किया। घटना स्थल पर पहुंची टीम ने पूरे क्षेत्र का जायजा लेने के साथ कंकाल के आसपास पड़े सामानों को भी एकत्र किया। पंचनामा कार्रवाई करने के साथ ही आसपास के गांव में इस संबंध में जानकारी ली, साथ ही समझाइश दी कि कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल थाना में इसकी सूचना दें। इस बीच बांगो थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग के परिजन पहुंचे। पुलिस ने उन्हें मानव कंकाल के साथ मिले कपड़े, बाल में लगाने वाला बक्कल, लेडीज चप्पल दिखाया, जिसे देख किशोरी के भाई ने सामानों को अपनी नाबालिग बहन का होना बताया। पुलिस ने बताया कि 9 जुलाई 2020 को एक आरोपी नाबालिग को भला फुसला कर ले गया था। इस मामले की रिपोर्ट स्वजनों ने बांगो थाना में दर्ज कराई थी। मामला कायम कर जांच भी की गई, पर दोनों का पता नहीं चल सका था। एक नरकंकाल के शिनाख्त होने के बाद पुलिस अब दूसरे नरकंकाल के संबंध में पताशाजी करने में जुट गई है। ये थाना बांगो क्षेत्र अंतर्गत कोसगई पहाड़ी है, उसके ऊपर में हमको जो है दो अज्ञात नरकंकाल मिलने की सूचना प्राप्त हुआ था। इस सूचना को तत्काल ही हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल टीम गठित करके एसडीओपी कटघोरा के नेतृत्व में वहाँ पे रवाना किए, जिसमें एसडीओपी कटघोरा स्वयं और थाना प्रभारी राजेश पटेल और साथ ही एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, सभी टीम जाकर के वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहाँ पे दो अज्ञात जो नरकंकाल है वो पड़े हुए हैं। उसका जो है गांव वालों को बुला करके पंचनामा कार्रवाई की गई और तत्पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और ये बात बाद में सामने आया कि 363 प्रकरण के प्रकरण में एक जो पीड़िता है जो कि अपहृत हो गई थी और बाद में उसके परिजनों को बुला करके वहाँ पे शिनाख्त की कार्रवाई की गई, जिसमें जो है वो अज्ञात जो नरकंकाल था वहाँ पर बाल और उसके बक्कल, चप्पल और कपड़े थे, उसे शिनाख्त ये हुआ कि 363 की अपहृता है वो उसका जो है शिनाख्त हुआ। और आगे विधिवत कार्यवाही की जा रही है, जिसमें उसका डीएनए टेस्ट वगैरह कराई जाएगी और एक और नरकंकाल है उसका भी शिनाख्त की कार्यवाही अभी जारी है और आसपास के लोगों को पूछताछ की जा रही है और आसपास के जितने भी थाने हैं, चौकी हैं, पुलिस सहायता केंद्र है वहाँ पर भी जानकारी भेजी गई है। कहीं पर भी गुम इंसान वगैरह अगर हों तो उसकी जानकारी देंगे। साथ ही हम लोगों ने इसके संबंध में जो सरहदी थाने हैं उनको भी अवगत कराया है। जल्द ही दूसरी जो अज्ञात नरकंकाल है उसकी पहचान कर ली जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।